हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज फिर से घर में साफ सफाई का काम चल रहा है। ये देखिए, यहाँ पे सामान बिखरा पड़ा है क्योंकि जो पेंटर है उन्होंने ऊपर वाली मंजिल जो है कंप्लीट कर दी है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है देखने में, और नीचे वाली अभी होनी बाकी है। तो अभी यहाँ पे ये जो सारा सामान था ये यहाँ पे था, यहाँ से हमने इसको शिफ्ट कर दिया उधर। और यहाँ पे है पुट्टी के बैग, और यहाँ पे चल रहा है पुट्टी का कार्यक्रम, और ऊपर वाली फ्लोर में टाइल का कार्यक्रम चल रहा है। और कुछ दिनों में काम फिनिश हो जाएगा और थोड़ी बहुत टेंशन कम हो जाएगी। बाकी अब मैं कर लेता हूँ बाकी काम और फिर मिलता हूँ आपसे। तो यहाँ की सफाई हो चुकी है, ये खाली कर दिया हमने, एरिया साफ कर दिया है। और यहाँ पे भी भाई लोग लगे हैं काम में, और इनके लिए हो गई है खाली जगह, अब ये इजीली अपना काम कर पाएंगे। तो अब मम्मी जी की हेल्प करते हैं खाना बनाने में। मम्मी जी चले गए कपड़े धोने के लिए, मैं अभी लगा रहा हूँ चावल। अरबी की सब्जी लगा दी है, इसको तड़कना है अभी। तो आज लंच में अरबी की सब्जी खाएंगे, अभी चावल लगा लेता हूँ और फिर बाकी का काम भी कर लेते हैं। ये लग चुके हैं चावल, और यहाँ पे है अरबी, ये भी हो जाएगी अभी। और उसके बाद इसको छील छाल के इसमें देना है तड़का, और तड़के के लिए मसाला भी है रेडी। तो अभी इंतज़ार है इसके ठंडे होने का, अरबी के थोड़े ठंडे होने का, फिर जाके इसको छीलना पड़ेगा और फिर तड़का देते हैं और फिर लंच करेंगे। तो अरबी हो चुकी है, इसमें मैंने ठंडा पानी भी डाल दिया है, और अब इन्हें छील लेते हैं और उसके बाद देते हैं इसमें तड़का। तो अरबी मैंने छील ली है, अब फटाफट से तड़का देते हैं और लंच की तैयारी करते हैं। उसको काट के तड़का देने की बारी है, और देख लेते हैं टाइल का काम भी चल रहा है साथ के साथ। यहाँ पे है हमारे मिस्त्री जी। हाँ जी मिस्त्री जी, कैसे हैं आप? ये बाहर का कलर मुझे बहुत पसंद आया है। और ये है बाहर की टाइल्स, और ये हमारे पेंटर भाई। कैसे है भाई? ओके, और यहाँ पे बिछा दिया है रेता, बेस बना रहे हैं इसका, उसके बाद टाइलें ये फिट करेंगे और रेडी हो जाएगा, कुछ दिनों में रेडी हो जाएगा घर अपना। तो अभी हम जैसे लंच करने वाले थे तो अली भाई के दाढ़ में फिर से दर्द हुआ, क्योंकि 2-3 दिन से इनके दाढ़ में दर्द हो रहा था। तो अभी इन्होंने लंच करने के लिए मना कर दिया कि दाढ़ में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो अभी इनको लेके जा रहा हूँ डिस्पेंसरी, वहाँ से इनके लिए दवाई दिलवाते हैं और इन्हें जुबड़ में इनके रूम पे छोड़ देंगे ताकि ये आज के दिन रेस्ट करें। बाकी फिर कल से ये काम पे आ जाएंगे जैसे ही ठीक होंगे। तो ये है हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो यहाँ से दवाई दे दी है, दवाई एक खा ली है, पेन किलर, ज़्यादा कुछ खास नहीं। बाकी डेंटिस्ट को दिखाओ, अब चलते हैं घर की तरफ। डेंटिस्ट तो यहाँ नज़दीक कोई है नहीं तो डेंटिस्ट के पास जाते। अभी पता करता हूँ, शायद अगर बलदिया में हो तो बलदिया तक जाके आएंगे।
वरना वापस चले जाएंगे घर की तरफ। अली भाई रेस्ट करेंगे रूम पे, बाकी दो भाई काम करेंगे और मैं भी चला जाऊंगा घर की तरफ। तो अब चलते हैं। तो अभी जा रहे हैं हम बल्दिया डेंटिस्ट के पास, फिर वहाँ पे दिखाते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं और निकलते हैं फटाफट। बैटरी भी लो होने वाली है, बाकी अब मिलूँगा मैं आपसे घर पे। तो फाइनली मैं अली भाई को छोड़ के वापस आ चुका हूँ। अब करूँगा लंच, उसके बाद करूँगा घर का काम। मौसम आज एकदम बढ़िया हो रखा है। तो लंच करने के बाद मैंने थोड़ा सा सीमेंट ढोया और मूवी देखी। शाम का वक्त है और कपड़े का तय अभी मैं लगा रहा हूँ। ये थोड़े बहुत मैंने यहाँ पे लगा दिए और बाकी लगा रहा हूँ। कपड़ों के तय मैंने लगा दिए हैं, तो अब नहा धो के फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच, फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।